तो देखिए कितना बढ़िया मलाईदार पनीर बनाया है हमारा। तो ऐसे बनाइए मलाई पनीर। वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं मलाई पनीर। इसके लिए मैंने आधा लीटर मैंने भैंस का दूध लिया है, क्योंकि उससे पनीर बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का बनता है। आप चाहे तो गाय के दूध से भी बना सकते हैं। तो ये आधा लीटर दूध मैंने अच्छी तरह से उबाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालने वाली हूँ, ताकि हमारे पनीर को जो है वो अच्छी टेस्ट आए। तो हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दूध को फोड़ने के लिए मैं नींबू का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब चाहे तो विनेगर भी ले सकते हो, नहीं मैंने एक आधा नींबू जो है वो ऑलरेडी निचोड़ के रखा है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। डायरेक्टली नींबू ऐड नहीं करना है, नींबू में थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसे मिक्सचर बनाया है। ये हम इसमें भी ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हमारा जो दूध है वो फट जाए। हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह से फट गया है। गैस मैंने अभी बंद कर दिया है। ये मैंने एक मलमल का एक अच्छा सा नैपकिन लिया है। मैंने एक मलमल का कपड़ा भिगो के लिया है। इसमें हम जो हमारा फटा हुआ दूध है वो इसमें से हम स्ट्रेन करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से दूध को निचोड़ा है, जो फटा हुआ दूध है। और इसको जो बचा हुआ पानी है, आप चाहे तो वो भी बहुत हेल्दी होता है, आप चाहे तो आटे में मिक्स करके, रोटी के आटे में मिक्स करके रोटियां बना सकते हो, नहीं तो आप बोतल में रख के फ्रीज कर सकते हो। और नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी पनीर बनाना हो, आप वही पानी वापस इस्तेमाल कर सकते हो। बढ़िया क्वालिटी का पानी रहता है, तो बढ़िया क्वालिटी का पनीर भी उससे बनेगा। अब मैं इस पे थोड़ा सा कुछ हैवी सामान रख के एक 10 मिनट के लिए मैं रखने वाली हूँ। पनीर पे मैंने एक हैवी बर्तन रखा है और हमें सिर्फ ये 5 से 10 मिनट के लिए रखना है, ज्यादा टाइम नहीं रखना। तो 10 मिनट हो गए हैं लगभग इसको रखे। तो अभी मैं इस पे थोड़ा सा ठंडा पानी डालने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें बर्फ डाला है और इस पे हम पानी डालेंगे, ताकि हमारा पनीर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसको हम 15 से 20 मिनट तक रखेंगे ऐसे ही ठंडे पानी में। तो आधे घंटे के बाद देखिए अपना पनीर कैसे बना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो आप देख सकते हो हमारा पनीर कितना बढ़िया और सॉफ्ट बना है। तो अब हम इसको पीसेस में कट करेंगे। पनीर के आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, पनीर परोठा, पनीर भुर्जी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया पनीर बना है हमारा। तो आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में लिख के भी बताना आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।